आइए बात खत्म करते करते बात बहुत खूबसूरत आपको बताऊं। शादी का मौका है, बीवी मुकद्दर की चीज, जन्नत में जोड़े बने, जिसकी किस्मत में जो लिख दी गई थी, बहुत खुश नसीब है वो शौहर जिनको नेक बीवी मिलती है। नेक बीवी का मतलब जब घर में आओ दिल ठंडा कर दे, दिल खुश कर दे। मेरी माए और बहने भी सुन रही है, उनसे भी कहता हूँ दिन भर अच्छी रहेगी, शौहर के आने का टाइम होगा, चेहरा उतर जाएगा, बाल बिखर जाएंगे, ऐसे जैसे कई दिनों की बीमार, शौहर का टेंशन बढ़ाने वाली। याद रखना रिवायतों में आता है जो झूठ मूठ का बीमार पड़े अल्लाह उसे ऐसी बीमारी देगा कि कभी शिफा नहीं होगी। इसलिए औरतों को कहता हूँ झूठ मूठ की बीमार नहीं पड़ना। दूसरी बात, शौहर आए उसका इस्तकबाल करके उसका दिल खुश कर दो। आका फरमाते हैं जो घर में शौहर के आते वक्त ऐसी बस सबर करके शौहर का दिल खुश कर दे कि शौहर दरवाजे पे रहे और उसका दिल खुश हो जाए, अल्लाह उसी वक्त तो उस औरत को जन्नती बना देता है। जन्नती औरत को देखना है तो उस औरत को देखो जिससे उसका शौहर खुश है। इसलिए अपनी बहनों से कहता हूँ शौहर से मुंह नहीं चलाना। हदीस पाक में आता है उन औरतों वो औरतों को अल्लाह जहन्नम में कुत्ते का मुंह बनाकर दाखिल फरमाएगा जो अपने शौहर से मुंह चलाती थी। इसलिए शौहर से मुंह नहीं चलाना, फरमा बरदारी करना। हदीस पाक में आया है कि अगर शौहर के बदन पे फोड़े निकल आए और औरत उसको जबान से चाट चाट के साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि ऐसा करना जायज नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि वो हक अदा नहीं कर सकती। तो जिसको नेक औरत मिले दिल खुश करने वाली उसको दुनिया में जन्नत मिल गई, तो खुश नसीब है वो लोग जिनको नेक औरत मिलती है। लेकिन अगर किसी को नेक नहीं मिले, टेंशन देती है, जबान दराजी करती है, तो उसके लिए भी बड़ा मर्तबा है। आइए उस सिलसिले में एक रिवायत पढ़ते हैं, बात मुकम्मल करते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हिंदुस्तान में, बहुत बड़े बुजुर्ग, सिलसिले नक्शबंदिया के हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जिन दिनों आप दिल्ली में रहते थे पूरा दिल्ली आपका मुनी, इतने बड़े बुजुर्ग, लेकिन थे पीर साहब, बड़े पीर थे ना, तो मिजाज में कुछ नजाकत थी, तबीयत में नजाकत थी, कोई अपने ऊपर नहीं ले। मैं जनरल बात कह रहा हूँ, मैं उसे अपने अंदाज में अपने रंग में बात कहने का आदि, अगर बुरा लगे तो माफ कर। पीर लोग के मिजाज में कुछ नजाकत आई था, सब ही मेरी तरह जो है वो ऐसी रकम रकम लोग होते हैं ना उनकी, कि खुद जूता नहीं पहने के खड़े रहेंगे इंतजार में, क्योंकि पहना है तो मैं पहन, पानी भी उठते नहीं पीना, कोई दाह कर दे तो मैंने पीना है, ऐसा मिजाज हो जाता है। लेकिन शहादत मन मुरीद वो लोग है जो जूते भी पहना है, पानी भी पिलाए, सर भी उठाए, मुरीदों की तकदीर है जितनी खिदमत करो, इसलिए कि हजारों साल की इबादतों से वो नहीं मिलता जो पीर और मुर्शिद की खिदमत से मिलता है। गरीब नवाज कहते बाबा कुतुब से, बाबा कुतुब मैंने अपने पीर का बिस्तर उठा करके जो मकाम पाया, मैंने नफली इबादतों से वो मरतबे नहीं पाए। खिदमत करो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को, मैं अपनी बात करता हूँ, हमें भी कुछ काम अपने हाथ से करना चाहिए, क्योंकि अपने हाथों से अपना काम करना मेरे नबी की सुन्नत है। तो बहरहाल मिर्जा साहब से नहीं कह रहा हूँ, मिर्जा साहब के मिजाज में बड़ी नजाकत थी, इतने नाजुक थे मिर्जा साहब कि अगर मटके पर ढक्कन टेढ़ा देखते थे तो टेढ़ा ढक्कन देख के उनके सर में दर्द होता था। कहते थे किस कमबख्त ने ढक्कन टेढ़ा कर दिया, मेरा सर दुख रहा है। और आधी रात इबादत करते थे और आधी रात सोते थे, तो अगर मुरीद लोग चादर बिछाए पलंग पर और वो चादर ऐसे मुड़ जाए तो वो चादर उनको चुभती थी। पूरी रात कहते थे किस कमबख्त ने चादर आज बिछाई, ये चादर मुझे चुभ रही है, लेकिन मुड़ के सीधी नहीं करते थे, इतने नाजुक थे। नजाकत इतनी थी, इतनी नजाकत, इसीलिए शादी भी नहीं करते थे, शादी भी नहीं करते। मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, आगे मैं अर्ज करूंगा, ये उनकी इब्तदाई जिंदगी के हालात है, इब्तदाई हालात पर आप नाराज नहीं हो, और ये आगे उनकी जिंदगी आ रही है। इतने नाजुक थे, इसलिए शादी भी करते थे। क्यों? कहते थे मैं भी नाजुक और औरत तो सिर्फ नाजुक है ही, जब दो नाजुक मिलेंगे तो अंजाम क्या होगा, कयामत क्यों है। तो कहते थे मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मुरीद तो फिर मुरीद है, मुरीद जो करारे कम है
एक मुलाकात मुरीद ने कहा, हुजूर आप शादी नहीं करेंगे? और शादी तो हुजूर की सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। सच्चे पीर थे, चीटिंग बाज पीर नहीं थे, सच्चे पीर थे। जब सुन्नत रसूल की बात आई तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, अगर तुमने सुन्नत का वास्ता दिया तो मजहर अब शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन जाओ तुम खुद ढूंढो, पीरानी माँ तुम खुद ढूंढो। अब जब मुरीद ढूंढने निकले पीरानी माँ को तो कितनी अच्छी ढूंढे होंगे, हैं? लेकिन कहते हैं किस्मत का लिखा कभी नहीं टलता, कोयला जितना घसो काला ही होगा, पानी जितना छान के पियो घान आई जाएगी। मुकद्दर का लिखा हुआ कभी नहीं टलता, खूब छान भीम की खूब ढूंढा, लेकिन हुआ वही जो तकदीर में लिखा हुआ था। तकदीर गालिब आती है तो तदबीर सजदा लेद हो जाती है, तदबीर आगे नहीं बढ़ती तकदीर के। वही हुआ एक सख्त मिजाज, एक तुर्श रूह, एक टेढ़ेपन की तबीयत वाली लड़की के साथ मिर्जा साहब की शादी हुई। पहली रात आदत के मुताबिक मिर्जा साहब नमाज पढ़ रहे हैं आधी रात। आधी रात के बाद जिले में आए तो घूंघट उठाने से पहले उठा हुआ है और त्योरी चढ़ी हुई है, गुस्से में। अच्छा गुलाम बना कर लाए थे, इसीलिए शादी की कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? मैं आपकी कोई मुरीदा नहीं हूं कि आपका इंतजार करूं और आपका आधी आधी रात तक आपकी राह रखूं। खूब बोली, जो मटके पे ढक्कन तिरछा दे के सर में दर्द होता था, चादर मोड़ जाने पे पीठ दुखती थी, खड़े होके चुपचाप सुन रहे। सच्चे पीर थे, सच्चे आलिम थे, चुपचाप सुन रहे। जैसे तैसे रात कटी, फिर दूसरी रात आई, फिर मिर्जा साहब आधी रात इबादत की, आधी रात के बाद फिर गए, फिर वही हंगामा, फिर चुपचाप सुना, फिर तीसरी रात। अब ये रोज रोज की कथा कहानी हो गई। अब एक दो दिन बात चुप सकती है, हमेशा की बात तो नहीं चुप सकती। एक दिन मिर्जा साहब की बीवी मिर्जा साहब को गालियां दे रही थी। अब वो दौर था रोशनदानों का, पटरियों के घास फूस के मकानात का। बाजू में जो मिर्जा साहब के खलीफा और बड़े चहीते मुरीद रहते थे, किसी काम से उनकी बीवी को ढेर झाप गई तो पीर साहब के घर से चिल्लाने की आवाज। अब औरतें तो फिर औरतें होती है कि जहां सुई जाने की जगह नहीं वहां वो मुस्की डाल देंगे, ये तो मेरी बहने जो है बेइज्जती ना महसूस करे। बात है, बात बात होती है, वो इंसल्ट अपनी इंसल्ट महसूस न करे। मैं आपका भाई हूँ, आप मुझसे नाराज नहीं होना, लेकिन आप में ये बात है और ये आपकी खूबी है। अगर आप ऐसा ना करो तो फिर दुनिया का निजाम कैसे चले। लेकिन बात आपकी ये है, अगर कहीं से थोड़ी सी खटक की आवाज आए तो पूरी तहकीक कर ले मैं आप। तो यही हुआ, मिर्जा साहब के घर से चिल्लाने की आवाज कान लगा दिया, और कान लगाने के बाद आवाज आई तो क्या, मिर्जा साहब की बीवी मिर्जा साहब को गालियां दे रही है। अब कान से झांकने लगी तो देखा मिर्जा साहब तिरछा ढक्कन देख के सर दर्द, और फिर जब वो चादर मुड़ी हो तो पीठ पे दर्द, खामोश खड़े सुन रहे हैं। अब इसने तो सोचा अच्छा मौका है, क्योंकि इनको मेरे शोहर बहुत मानते हैं, मेरी एक नहीं सुनते। उधर हाल ये है, अब क्या बताना चाहती थी, देखो तुम क्या करते हो, वो क्या कर रहे हैं, जल्दी से उठो उठो उठो, उठे क्या हुआ, देखो जरा क्या हो रहा है। देखा तो बहुत दुखी हुए, पीर साहब को पीर साहब की बीवियां गाली दे रही है, लेकिन पीर साहब है कि चुपचाप खड़े होके चुपचाप सुन रहे। अरे लेकिन चूंकि समझदार थे, मर्द थे, बीवी से कहा देखो पीर की इज्जत का सवाल है, ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के बाहर ये बात नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो औरत ही क्या जो अपने पेट के बात को हसम करना चाहे, वल्लाह बड़े बड़ी गिजाएं नमक मिर्च वाली गिजाएं हजम हो जाए, लेकिन एक छोटी सी बात औरतें हजम नहीं कर सकती। सुबह का इंतजार, सुबह हुई, सहेली से मुलाकात हुई, अरे वो सुनी क्या, लेकिन किसी से कहना नहीं बहन, मेरे घर की इज्जत का सवाल है, मेरे संसार का सवाल, किसी से कहना नहीं कि पीर साहब को गाली। अच्छा अब जो बात ये कि किसी को कहना नहीं, उसने गाली को सुनी क्या, पीर साहब की बीवी पीर साहब को गाली देती।
किसी से कहना नहीं पीर साहब की इज्जत का सवाल, उसने किसी नरे को सोनी पूरे दिल्ली में फैला दिया। पूरे दिल्ली में फैला दिया, दिल्ली में आम हो गया। पीर साहब की भी पीर साहब को गाली देती, पीर साहब की भी पीर साहब को गाली देती, पीर साहब की भी पीर साहब को गाली देती। सारे मुरीद जो बड़े जिम्मेदार खुलफा थे, ये मामला खत्म करो, बहुत हो गया हमें इज्जती, पीर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना हम कोई कदम उठा लेंगे। जो जिम्मेदार मुरीद थे सरकार, बहुत बेइज्जती हो गई, पूरे दिल्ली में बात फैल गई, पीर साहब की पीर साहब को गाली देती है। हुजूर हमने बहुत बड़ी गलती की, आपको शादी का मशवरा देकर अब आप इसे गुजारिश करते हैं, ऐसी बदबख्त नाफरमान और शोहर की इज्जत न करने वाली औरत को आप तलाक दे दें, आप उसको तलाक दे दें, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीर साहब ने फरमाया, चुप रहो, खामोश रहो, वो मेरी बीवी है और तुम्हारी पीरानी माँ है, जैसे तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए वैसे उसकी इज्जत करनी चाहिए। और सुनो, तुम तलाक का मशवरा देने वाले कौन होते हो? मैं अपनी मेहरबान बीवी को कभी तलाक नहीं दे सकता, मैं अपनी मेहरबान बीवी को कभी तलाक नहीं दे सकता। मुरीदों ने कदम कदम पकड़ लिए, सरकार सब खुल चुका है, सबको मालूम हो चुका है, और आप उसको मेहरबान कहते हैं। मेहरबान कहने की वजह क्या है? आखिर उसने आप पर क्या मेहरबानी की है सिवाय आपकी बेइज्जती करने के, आपका मार करने के, और क्या मेहरबानी की है? उस वक्त मिर्जा साहब ने फरमाया, मेरे मुरीदों सुन लो, उसकी मेहरबानी मुझ पर क्या है? उसकी मेहरबानी यह है कि आधी आधी रात मैंने इबादत की, नफिल पढ़े, कुरान की तिलावत की, फिर तो वज़ाइफ किए, रियासत और मुजाहिदे किए, लेकिन रियासत और मुजाहिदों से मुझे वो मकाम और मर्तबा नहीं मिला। लेकिन जब वो गालियां देती है तो उसकी गालियों पे मैंने सब्र किया, उस सब्र की बरकत से अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मकाम अता फरमाया। जो मकाम मुझे नफिल इबादत से न मिला, वो मकाम मुझे बीवी के जुल्म पे सब्र की बरकत से मिला। अब दिल्ली का कुतुब बन गया है, कुतुबियत के मकाम पे फाइज हो गया है, और वजह सिर्फ एक है कि मैं बीबी और बीवी की गाली पे सब्र करता हूँ। आप बताओ, जिसने मुझे कुतुबियत के मकाम पे पहुंचाया वो मेरी मेहरबान नहीं है तो और कौन है? वो मेरी मोहसिना नहीं है तो और कौन है? ये है बीवी की जफा पे सब्र करने का नाम। इसलिए शादी से पहले भी डरो, शादी के वक्त भी डरो, शादी के बाद भी अल्लाह से डरते रहो, और अपने घरों में मोहब्बत का माहौल कायम रखो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।